हेलो गाइस, आज काफ़ी बारिश हुई है। बारिश होने के बाद मौसम खुला है, तो मैंने सोचा एक लाइव वीडियो रिकॉर्ड करूं आप लोगों के लिए। और ये काफ़ी वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि तो पीछे आप जो देख रहे हैं, जो पेड़ जो देख रहे हैं, उसके बारे में मैं अभी कुछ बताऊंगा। उससे पहले हमारे साथ हमारे एक छोटे मित्र हैं, और आइए हम उनसे मिलते हैं और देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं। और छोटू जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपको 1,000 लोग देख रहे हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? हाँ शर्मा रहे हैं अभी। और दोस्तों, जैसा कि आज देख रहे हैं, हम लोग अभी गांव पे हैं, और ये अपना गांव है, प्यारा सा गांव है। क्योंकि मैं शहरों में तो रहता हूँ, रहा भी हूँ, बड़े बड़े कंट्री में भी गए हैं, लेकिन जो खूबसूरती, जो वातावरण, जो यहाँ की जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो गांव में देखने को मिल जाती है, वो जो है शहरों में नहीं मिलती। जो खुशबू, जो हरियाली, जो यहाँ का वातावरण है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, पीछे हमारा पूरा गांव है, वहाँ से लेके बहुत बड़ा एरिया आता है। अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा एरिया आता है, और बड़े एरिया के साथ ये मेरा अपना एक छोटा सा घर है। इसकी जो साइज है 30x30 का है, ज़्यादा कुछ बड़ा अभी नहीं बनाया मैंने। जैसा कि आपको बता रहे थे कि जो ये पीछे का जो ये ताड़ का जो पेड़ देख रहे हैं, जो ताड़ का पेड़ है, ये जो है ताड़ का पेड़ बोला जाता है। जैसा कि गोवा वगैरह में ही सारी चीज़ें देखने को मिलता है, लेकिन ये ताड़ का पेड़ मेरे घर के पास ही है, जो आए प्रतिदिन हमें जो है गोवा की फीलिंग दिलाता है। हालांकि मैं गांव में हूँ, अपने घर पे हूँ, और कहा जाता है कि ये जो ताड़ का पेड़ है जो देख रहे हैं, लंबाई लगभग 300 फीट है, 300 फीट से भी ऊपर है, और इसे तैयार होने में 200 साल लगते हैं। सोचिए ये पेड़ कब से है, अगर मेरा यहाँ घर है तो ये पेड़ जो है कब से है। तो ये पेड़ है, और जैसा कि आप देख रहे हैं, पीछे एक गाय भी है, और अभी ये भोजन कर रही थी, अभी खा नहीं रही है, और देखिए खाने भी लगी। तो ये पर डे का जो दूध देती है वो 7 से 8 लीटर देती है, इसलिए हम लोगों को, पूरे परिवार को जो है, दूध खरीदना भी नहीं पड़ता है। बस ये है कि इसको खिलाना पड़ता है डेली का, खिलाने के लिए भी पूरा परिवार है, मम्मी पापा सभी लोग हैं जो खिलाते हैं। इसकी खाने की जो व्यवस्था है हम लोग करते हैं। अगर देखा जाए तो आपको, मैं अपने छत पे हूँ घर के, और छत से ही आपको जो है लाइव वीडियो जो है दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, इसकी ये जो है खाने की व्यवस्था हम लोग करते हैं, यानी नेचुरल खेती भी करते हैं हम लोग अगर देखा जाए तो। और आज बहुत अच्छी बारिश हुआ है, काफ़ी मौसम सुहाना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो मौसम काफ़ी आज का डेट में जो है काफ़ी सुहाना है, और ठंडा ठंडा है, इसलिए आज रात को हमको लगता है ठंडी भी लगेगी। तो आज की रात की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी, कि काफ़ी खूबसूरत गाँव है, शहरों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। जब भी मैं शहर में जाता हूँ, वहाँ पे सिर्फ गाड़ियाँ, वहाँ पे सिर्फ बड़े बड़े बिल्डिंगें देखने को मिलते हैं, वहाँ नेचुरल चीज़ें नहीं मिल पाती है। लेकिन गांव में जो है बिल्कुल नेचुरल चीज़ें मिलती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पेड़ है, हरे हरे पौधे हैं, और पौधों के साथ काफ़ी खुला वातावरण है अपना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। क्या आप देख पा रहे हैं जो पीछे देख रहे हैं, ये जो पीछे जो देख रहे हैं आप, वो सब पौधे हैं, अभी जो रिसेंटली हम लोग लगाए हैं। और ये अपना गांव है दोस्तों, और गांव के साथ अभी मैं अपने छत पे हूँ, और सोचा हम, बारिश खुली है तो सोचा थोड़ा शाम के समय छत पे हम घूम लें, तो थोड़ा सा टहलने के लिए निकले हैं। तो हमने सोचा कि दोस्तों को भी गाँव का जो है, गाँव लगता कैसे है, अब जो लोग गांव में रहे हैं उनको तो गांव के बारे में पता होगा ही,
जो गांव में रहे ही नहीं हैं उनको गांव के बारे में क्या पता। तो हमने सोचा कि एक वीडियो रिकॉर्ड करूं, लोगों को दिखाऊं कि गांव भी एक जो है शहर से भी अच्छा खूबसूरत होता है। यहां सारी चीज़ें फ्री में मिलती है, जो भी मिलता है शुद्ध मिलता है, खाने पीने की चीज़ें शुद्धता मिलती है, क्योंकि यहाँ पे खुद लोग जो है मेहनत करके उगाते हैं। अपना मेरा छोटा सा घर है, साइज इसकी बहुत बड़ी मैंने नहीं बनाई है, बस 3000 स्क्वायर फीट का है, 50x50 का, और आगे का रेलिंग वगैरह लेके अगर देखेंगे तो 3000 स्क्वायर फीट का घर है। अभी मैं नीचे जाऊँगा तो थोड़ा सा अभी काम चल रहा है, और आगे का मैं दिखाता हूँ, काफ़ी खूबसूरत है, जो किसी शहरों से कम नहीं है। तो आइए आगे का भी मैं आप लोग को अपना घर दिखा देता हूँ। हेलो दोस्तों, अभी मैं अपने घर के नीचे आ गया हूँ छत से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आगे का ग्राउंड क्लियरेशन है, अभी वर्क प्रोसेस में चल रहा है, और मैं घर के आगे जा रहा हूँ ताकि आपको घर की जो है, जैसा कि मैंने बताया था कि घर के आगे का भी पोजीशन आप लोग को दिखा दूँ। आप देख पा रहे हैं ये एक छोटा सा अपना अभी प्यारा सा घर जो बिल्कुल वर्किंग प्रोसेस में है, अभी चल रहा है। तो इसी के साथ अपने वीडियो को एंड करते हैं।